3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज़। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। सुभाष नगर की रहने वाली एक महिला की हुई मौत। पीआर पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। जेलर अस्पताल में महिला की हुई मौत। 11.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार। 2016 में हुआ था उधार लेन देन का मामला, अलवर गेट पुलिस ने किया गिरफ्तार। नौकरी देने के नाम पर ठगी करने का प्रयास करने का आरोपी हुआ गिरफ्तार। गुजरात के बलसार से किया गिरफ्तार। 9,500 रुपए जमा कराए थे पीड़ित से। 2011 में हुई मजदूर की मौत के मामले में कुर्की के लिए डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे कोर्ट के कर्मचारी। सीसी छत डालते समय विद्युत लाइन की चपेट में आया था मजदूर। अब 10 दिन में डिस्कॉम करेगा कोर्ट के आदेशों की पालना। सावित्री स्कूल में मंत्री देवनानी ने किया छात्राओं से संवाद, सफलता पाने के गुर बताए। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नए टैंक के निर्माण कार्य का भी किया शुभारंभ। वकीलों ने दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, मोदी सरकार के खिलाफ लगाए नारे। कहा न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाह रही है मोदी सरकार। रक्तदान के लिए लोगों को रैली निकालकर दिया संदेश। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर होगा रक्तदान शिविर। 200 यूनिट रक्तदान का रखा गया है लक्ष्य। सूफी फेस्टिवल में आ रहे हैं राज्य के बाहर से कलाकार। गुजरात के आर्टिस्ट ने बिखेरे अपनी कला के रंग, फेस्टिवल को सहारा जा रहा है। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें horizonhind.com। सच के साथ।